Hi friends, we are posting daily videos about latest exams. So guys, अगर आप एग्जाम से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट देता हूँ. टुडे आई एम टेलिंग यू बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2019. सो बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट ने रिलीज कर दिया है अलॉन्ग विद द आंसर की पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक. सो गाइस, रिजल्ट के साथ आंसर की भी रिलीज कर दी है. एक पीडीएफ लिस्ट है कंटेनिंग द रोल नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट. अ टोटल 12,262 कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द ऑफलाइन मोड ओएमआर एग्जाम हेल्ड ऑन 22 सितंबर एट 18 रिक्रूटमेंट सेंटर. आउट ऑफ 12,262 कैंडिडेट 3,170 आर सेलेक्टेड फॉर बीएसएफ आरओ पोस्ट, 9,092 फॉर बीएसएफ आरएम पोस्ट. तो गाइज, आप ये उसकी बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं. द बीएसएफ हेड कांस्टेबल आंसर की 4 शीट्स ऑफ आंसर की ईच ऑफ एचसीआरओ एंड एचसीआरएम इज आल्सो अवेलेबल. सो गाइज, दिस इज द अपडेट. जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं हेड कांस्टेबल रिटन एग्जाम में विल नाउ अपीयर फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. उन्हें पीएसटी और पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन राउंड में क्लियर करना पड़ेगा, जो कि शेड्यूल्ड है 2 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक. सो गाइज, ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी हेड कांस्टेबल एग्जाम भी क्लियर करेगा, जो जिसका भी लिस्ट में नाम है, उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के राउंड से क्लियर होना पड़ेगा. जो रिक्रूटमेंट जो है नोटिफिकेशन, इसका इंटीमेशन देंगे एसएमएस और ईमेल के थ्रू जो भी शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट फॉर द सेकेंड फेज पीईटी पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन. सो गाइज, दिस इज द अपडेट. These candidates further directed to report for the appearing in the aforesaid test activity at the center along with the copy of their online application form. लेके जाना पड़ेगा, admit card ले जाना पड़ेगा, valid ID proof चाहिए, original educational academic domicile caste certificate चाहिए, जो भी documents है supporting documents और 3 recent passport size photograph आपको carry करनी पड़ेगी PAT, PST और document verification round के लिए. जो पीईटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन विल बी कॉल्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देन अ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन टू असेस देयर फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड. जो भी कैंडिडेट पीईटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर होएगा, उनको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा, उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. सो गाइज, ये 4 राउंड है. फर्स्ट हो गया, अभी सेकेंड और थर्ड और फोर्थ बाकी है. सो गाइज, दिस इज द अपडेट. आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा. आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज शेयर इन द कमेंट्स. थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो. स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.